चलो गुड मॉर्निंग बच्चा, और सभी लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। एक मिस्टेक हो गई है हम लोगों से, हमसे हुई, आपसे कैसे हो सकती है। यह जो कहानी है ना, ये कॉलम वाइज लिखी हुई है। कॉलम वाइज कहने का मतलब बच्चा कि एक पेज पे दो कॉलम्स हैं, यानी पेज नंबर वन यहाँ से शुरू होता था और यहाँ के बाद ये फिर पेज क्या है, इधर चला जाता था। बट हम क्या है, हम लोग क्या है, मेरी गलती है कि हम क्या है स्क्रॉल डाउन करके इस पार्ट में आ गए। तो अब क्या है कि टास्क तो हम दे चुके थे इससे ऑलरेडी, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सिंटेक्स एनालिसिस इसका आज कर लेंगे, बट मीनिंग हम इसकी नहीं बताएंगे। मीनिंग हम लोग क्या है क्रम को सुधार करके, ऑर्डर को अरेंज करके, और फिर क्या है पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि कहानी का क्या है सिलसिला बैठा रहे, मतलब कुछ मिस ना हो। ठीक है, तो सिंटेक्स एनालिसिस आज यहाँ का कर देते हैं बच्चा, और रीडिंग हम क्या है उधर से ही हम लोग करेंगे। तो आई होप आधे सभी लोग अग्री हो इस बात पे, सभी लोग राजी हो ना इस बात पे। ऐसा होता है ना जूम करने के बाद, क्योंकि हम जूम करते हैं तो ये पूरे पेज पे दिखता है कंटेंट, तो हमें लगता है कि भाई ऐसा ही है। चलिए मिस हो गया था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं होता। चलिए सबको गुड मॉर्निंग बच्चा, शुरू करते हैं। सब्जेक्ट आपका बच्चा, वर्ब का दूसरा रूप, द आपका आर्टिकल, ऑब्जेक्ट आपका नाउन, टैटर्ड आपका, चलो टैटर्ड क्या है बच्चा बताओगे? टैटर्ड क्या होगा? नहीं, यही दिक्कत है, इसी का ध्यान देना है कि जब पास्ट पार्टिसिपल बोलोगे ना तो गलती हो भी सकती है, क्योंकि टैटर्ड की स्पेलिंग में ईडी है बट ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है बच्चा। इसलिए सिंपली बोलेंगे एडजेक्टिव। इसलिए क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। आज किसी ने पूछा था ना कि सर इसे क्या बोलेंगे, तो हमने आपको कहा था कि बच्चा अगर तुम बोलोगे इन्फिनिटिव जेरंड तो तुमको थोड़ा क्या होगा, सरदर्दी होगी। इससे बेहतर वो अगर नाउन का काम कर रहा है तो नाउन बोल के निकल जाओ, ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव बोल के निकल जाओ। तो टैटर्ड करके कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है, क्योंकि ईडी लगी थी अंत में, तो आपको लगा कि सर ये वर्ब होगा जिसके अंत में ईडी लग गया। अच्छा शुरू में हम बातचीत ही करते हैं, 2 मिनट का एडवर्टीजमेंट कहाँ आता होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। इसलिए जब तुम लोगों ने आज पूछा तो हमने क्या कहा कि जब पार्सिंग करोगे ना तो जेरंड पार्टिसिपल लिखने के बजाय सीधे क्या है एडजेक्टिव और नाउन लिखोगे, इसलिए बोल रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान दोगे, क्योंकि रोल तो उसका नाउन का रोल है, तो नाउन की तरह वो काम करेगा। चलिए तो ये एडजेक्टिव है, इन माई हैंड्स प्रिपोजिशन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हैंड्स आपका नाउन है, एंड आपका कंजंक्शन है। टर्नड इट ओवर ये वर्ब है बच्चा, और ये आपका, ये दोनों टर्म मिलकर के फ्रेजल वर्ब है। देखिएगा फ्रेजल वर्ब में कई बार क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है। हाँ समझ गया जीत, आता है एडवर्टीजमेंट, कोई बात नहीं, हम समझ गए। शुरू में हमने सिर्फ समझाया कि वो पेज मिस हो गया, तो यही सब समझाया था। चलो यहाँ पे ध्यान दोगे, ये फ्रेजल वर्ब है, तो कई बार फ्रेजल वर्ब के बीच में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डाल दिया जाता है। यानी फ्रेजल वर्ब का 2 कंपोनेंट होता है ना, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है प्रिपोजिशन या एडवर्ब। तो दोनों के बीच में क्या डाला हुआ रहेगा आपका, डाल दिया जाएगा प्रिपोजिशन। तो टर्न ओवर का मतलब होता है उलटना, फ्रेजल वर्ब है, और इट बीच में क्या है ऑब्जेक्ट है इसके, तो इस तरह से लिखा जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। सो देयर विल बी अ फ्रेजल वर्ब, जहाँ पे फ्रेजल वर्ब का जो 2 टर्म होता है, जो दोनों पोर्शन होते हैं, उन दोनों पोर्शन के बीच में क्या है, क्या लगा दिया जाएगा बच्चा, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जाएगा। ऐसा होता है तो इसका ध्यान रखेंगे कि हाँ दिस इज़ अ रियलिटी, और ऐसा कई जगहों पर देखने को मिलता है। ये नहीं कि सर देखिए नहीं ये क्या हो गया,
तो ऐसा आपको क्या है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। राधर, देखिए हमने आपको बताया था ना राधर का मतलब होता है कुछ हद तक या टू अ सर्टेन डिग्री के लिए इसका प्रयोग करते हैं। राधर का प्रयोग क्या करते हैं यह बताने के लिए, टू अ सर्टेन डिग्री। तो राधर यहाँ पे आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब क्या है दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। तो रूफुली भी क्या है आपका एडवर्ब है। मीनिंग इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ तो टेढ़ा रहे हैं ना, इसको सीधा पढ़ना आ करके हमें। इट वॉज अ वेरी, ये आपका क्या हो गया प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है बच्चा यहाँ पे। वॉज आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो बाद में एडजेक्टिव या नाउन आने की संभावना बढ़ जाती है, कभी कभी एडवर्ब भी आता है। अ वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हैट, चलो ये फयाज के सवाल का जवाब है। फयाज देख बच्चा, यहाँ तेरा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये दूसरा एडजेक्टिव है और यह पहला एडजेक्टिव है, और वेरी आपका क्या है एडवर्ब है। ठीक है, ऑफ द यूजुअल राउंड शेप, यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल है आपका, ऑफ द प्रीपोजिशन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका नाउन है और देखिए दो एडजेक्टिव है, यूजुअल और राउंड। यूजुअल एक एडजेक्टिव, राउंड एक एडजेक्टिव, तो दो एडजेक्टिव यहाँ पे हो गए। हार्ड ये भी एडजेक्टिव है, एंड मच द वर्स, मच द वर्स तो आपको समझा ही दिए थे ना बच्चा, मच द बेटर, मच द वर्स। मच का प्रयोग क्या है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ करते हैं, मच एडवर्ब का प्रयोग। तो यहाँ पे देखोगे ये नाउन हो गया तो इसको एडजेक्टिव बोल दो, ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि द के साथ जब एडजेक्टिव आता है तो क्या हो जाता है नाउन हो जाता है। तो मच को एडजेक्टिव बोल दो, द वर्स को नाउन बोल दो। फॉर वियर, फॉर आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया, जो वियर नाउन के लिए आ रहा है, वियर नाउन होता है बच्चा, वियर एंड टियर पढ़े होगे कभी। चलिए लाइनिंग क्या है बताओगे आप सबको, लाइनिंग क्या है, लाइनिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बस नाउन, ठीक है, चलिए नाउन है, जेरंड वेरंड नहीं बोलना, ये नाउन ही है। लाइनिंग क्या है नाउन ही है। चलिए ये आर्टिकल है, ये आपका नाउन है, चलिए ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है बच्चा, ये आपका क्या है मेन वर्ब है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, सिल्क आपका नाउन है, रेड आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, बट आपका कंजंक्शन है, वाज आपका मेन वर्ब है आर्टिकल। अब देखिएगा बच्चा, अ गुड डील, अ गुड डील, यहां पे ध्यान दीजिएगा ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यह क्या एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, काफी हद तक इसकी मीनिंग होती है डिसकलर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ये डिसकलर आपका यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको कि पास्ट पार्टिसिपल है, बट आप अवॉइड ही कीजिएगा पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलना, वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए कि हाँ भाई हमने पढ़ा है तो हमें सही सही पहचानने आना चाहिए, बट उसको एडजेक्टिव की जगह पास्ट पार्टिसिपल बोलने से आपको कभी मिस्टेक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको सहूलियत लगे कि नहीं सर एडजेक्टिव ही बोलते हैं क्योंकि एडजेक्टिव इतनी बार यूज़ किया है तो वो आसानी से याद रहता है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे देखना, देयर वॉज, तो देयर आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हो गया बच्चा, वॉज मेन वर्ब हो गया, नो मेकर्स नेम तो नाउन हो गया, ये नो आपका हो गया बच्चा एडजेक्टिव। मेकर्स नेम में दो नाउन है, दोनों नाउन को जोड़ने के लिए आपने क्या किया है पॉजिटिव के लिए एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया है।
चलिए, एज को क्या लिखा आपने बच्चा? बट को तो आपने कंजंक्शन लिखा होगा, आपने एज को क्या लिखा है बताइए? एडवर्ब बच्चा बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एडवर्ब वाली मीनिंग जैसा कि, यहाँ पे एडवर्ब वाली मीनिंग जाएगी जैसा कि, होम्स ने कहा था। होम्स आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और रिमार्क्ड आपका वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। ठीक है, द इनिशियल्स, इनिशियल्स नाउन हो गया बच्चा, द आपका आर्टिकल हो गया। इनिशियल्स प्लूरल ही लिखा जाता है, इनिशियल्स जब भी लिखा जाता है नाउन के रूप में तो प्लूरल ही लिखा जाता है। इनिशियल जो शब्द है जिसमें से अगर आप एस हटा दीजिएगा तो वह शब्द एडजेक्टिव होता है बच्चा, वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इनिशियल्स क्या होता है आपका? नाउन की तरह यूज़ होता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपने नाम के एक एक अक्षर को ही लिखे, देखो बच्चा कि एज की मीनिंग पे जाओगे, जैसे कंजंक्शन तुम बोल रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंजंक्शन आप बोल सकते हैं, बट आपको फिर क्या होता है ना कि शब्दों की मीनिंग पे भी ध्यान देना होता है ना, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म दैट आई एम गोइंग टू यूज़। जिस शब्द को हम यूज़ करने जा रहे हैं उसकी कंजंक्शन ग्रुप में क्यों मीनिंग होती है। ठीक है, तो अगर आप कंजंक्शन बोलते हो, एडवर्ब बोलते हो, मीनिंग सेम निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसकी मीनिंग होती है इन द सेम वे, एज की मीनिंग होती है इन द सेम वे जैसा कि कहा था, और एडवर्ब के रूप में भी उसकी वह मीनिंग होती है और कंजंक्शन के रूप में भी उसकी यह मीनिंग होती है। तो कंजंक्शन भी लिखे हो तो गलत नहीं है। हम ये बता चुके हैं ना कि अगर कोई शब्द एडवर्ब कंजंक्शन दोनों है और एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों के रूप में अगर उसकी मीनिंग टैली करती है, जो कि काफ़ी कम केसेस में करती है, लेकिन अगर टैली कर रही है तो एडवर्ब बोलो तो भी ठीक, कंजंक्शन बोलो तो भी ठीक। चंदन, तो कंजंक्शन भी यहाँ पे सही है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, हम लोग इनिशियल्स की बात कर रहे थे बच्चा। तो इनिशियल जो होता है ना, वह कोई व्यक्ति, जैसे मेरा नाम है संतोष कुमार सिंह, तो हम एस के एस अगर लिखते हैं तो ये मेरा इनिशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनिशियल। तो इनिशियल्स थे एच बी, तो एच बी तो आप समझ गए प्रॉपर नाउन की तरह हो रहा है यूज़, उसको नहीं पढ़ेंगे। वर स्क्रॉल्ड, तो ये बी प्लस भी थ्री है बच्चा, तो ये वाक्य क्या है? पैसिव वॉइस में। ये वाक्य क्या है आपका? पैसिव वॉइस में था। अपॉन आपका एडवर्ब की तरह यूज हुआ या प्रीपोजिशन की तरह बताइए? क्योंकि वर्ब के बगल में है ना, तो थोड़ा डाउट होता है बच्चों के मन में। हाँ बिल्कुल, प्रीपोजिशन है बच्चा। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाने हो, प्रीपोजिशन है। साइड आपका नाउन हो गया, वन आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। वन यहाँ पे प्रोनाउन नहीं, वन आपका क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो कुल मिलाकर के देखोगे ना कि कुछ दिन अगर आप पढ़ लेते हो तो एलिमेंट्स रिपीट होने लगते हैं, शब्द क्या होते हैं? रिपीट होने लगते हैं, तो आप फिर धीरे धीरे क्या, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब शब्द रिपीट होने लगेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि चलो अब हम क्या है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, आगे बताएं। इट वॉज पियर्स्ड, फिर वही सब्जेक्ट है आपका, लेकिन ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। ये वाक्य क्या है? पैसिव वॉइस में, तो वो सब्जेक्ट की जगह पे है लेकिन सब्जेक्ट नहीं। कैसे पहचाने कि पैसिव वॉइस में है? तो ये मेन वर्ब है, बी वर्ब का रूप है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। पियर्स्ड आपका क्या है? भी थ्री है। इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, द आपका आर्टिकल हो जाएगा, ब्रेम आपका नाउन हो जाएगा बच्चा। अपॉन एडवर्ब होता नहीं सुमन, जैसे हमने कहा ना कि आप डिक्शनरी देख करके तो पार्सिंग करते हो नहीं, आप डिक्शनरी देख करके तो पार्सिंग करते नहीं ना हो, लेकिन अगर आपको वर्ब के बगल में कोई टर्म दिखता है तो आपके मन में इच्छा जगती है ना कि यार ये एडवर्ब तो नहीं है कहीं,
क्योंकि अगर यह शब्द है तो या तो इससे प्रभावित होगा या फिर इससे प्रभावित होगा। तो अगर इससे प्रभावित होगा तो एडवर्ब होना चाहिए, अगर इससे प्रभावित होना चाहिए तो प्रिपोजिशन होना चाहिए। तो अपॉन एडवर्ब होता है ही नहीं, वो मतलब होता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब और प्रिपोजिशन दोनों होते हैं। तो आपके मन में क्या डाउट है, इसके लिए हमने आपसे सवाल पूछा था, ठीक है, कि कहीं आपने एडवर्ब तो नहीं लिखा। क्योंकि आप जज करने के लिए या तो बाएं तरफ से जज करेंगे या दाहिनी तरफ से। तो बाएं तरफ में स्क्रॉल से जज करेंगे तो एडवर्ब लिखेंगे, और दाहिनी तरफ में साइड से जज करेंगे तो प्रिपोजिशन लिखेंगे, ये बोल रहे थे। चलो आगे। इट वॉज पियर्स्ड इन द ब्रिम फॉर अ हैट सिक्योर। तो फॉर आपका प्रिपोजिशन हो गया बच्चा, आर्टिकल हो गया, और ये कंपाउंड नाउन हो गया। बट द इलास्टिक वॉज मिसिंग, बट द इलास्टिक वॉज मिसिंग, तो ये कंजंक्शन हो गया बच्चा, आर्टिकल। इलास्टिक यहाँ नाउन है बच्चा, इलास्टिक क्या है यहाँ पे, नाउन है। इलास्टिक रबर को कहते हैं। वॉज मिसिंग, अब यहाँ पे ये एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। चलिए, ये हमने सही लिखा या गलत लिखी है, ये जो हमने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, आगे चले बच्चा। तो यहाँ पे जो हमने पार्सिंग किया था वो था पूरी तरह से गलत, वो पार्सिंग किया था बच्चा गलत था। ये है आपका मेन वर्ब और ये है आपका एडजेक्टिव। अब बताइए कैसे पता चलेगा कि सर ये मेन वर्ब और ये एडजेक्टिव है। रुक, जो हमने जो लिखा है ना उस शब्द के ऊपर में ही लिख दिया है तो शायद ना दिखे। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये है एडजेक्टिव। अब आपके मन में जिज्ञासा जगती है कि सर ये कैसे। हाँ अजय, तो देखो ऐसे है, इलास्टिक मतलब है रबर, रबर खुद गुम है बच्चा, द रबर वॉज मिसिंग। रबर किसी चीज को गुम नहीं कर रहा है, ठीक है। रबर क्या है, खुद मिसिंग है। रबर क्या है आपका, खुद मिसिंग। अरे बुढ़बक, कहीं का काट कह ले लिया था तुम, हम तो पूछ ही रहे थे, जब हम सवाल पूछ रहे हैं हम तो इसलिए मिटाए क्योंकि हमको दोबारा लिखना था, हमारे पास जगह नहीं थी। हमारे पास तो क्या है, लिमिटेड स्पेस रहता है ना, हमारे पास क्या है कि वाइट स्पेस लिमिटेड था, तो हमने मिटाया, तुमने क्यों काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है कि इलास्टिक तो खुद से गुम था ना बच्चा, किसी और को गुम थोड़े ना कर रहा था। अगर मिसिंग है वर्ब का चौथा रूप तो पढ़ेंगे रहा है, रहा है, रही थी, ऐसे तो इलास्टिक गुम कर रहा था, कि इलास्टिक गुम था, क्या बोलोगे, इलास्टिक गुम था, खो रहा था नहीं बल्कि इलास्टिक खो गया था, रबर मिसिंग था। चलिए आगे देखा जाए बच्चा। फॉर प्रीपोजिशन, आर्टिकल, रेस्ट, तो वही आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करेगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव नाउन का काम करेगा। रेस्ट आपका एडजेक्टिव है बच्चा, रेस्ट मतलब होता है शेष, रेस्ट मतलब क्या होता है, शेष। लेकिन आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन का काम करेगा। इट वॉज क्रैक्ड,
सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एडजेक्टिव। मीनिंग से पकड़ाएगा, स्ट्रक्चर से नहीं पकड़ पाओगे, मीनिंग से ही। इट वॉज क्रैक्ड, ये क्रैक्ड था, ये नहीं कि इसे क्रैक कर दिया गया था, इट वॉज क्रैक्ड। एक्सीडिंगली डस्टी, डस्टी एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सीडिंगली तुम्हारा एडवर्ब हो जाएगा। अब क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, या तो फिर तुम लोग कुछ काट लोगे। क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं कि इंटरेक्टिव हो जाता है क्लासेस की, तो कभी टेस्ट हम ले नहीं पाएंगे। एंड स्पॉटेड, एंड कंजंक्शन इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव। इन सेवरल प्लेसेस प्रीपोजिशन है, प्लेसेस नाउन के लिए आ रहा है, सेवरल एडजेक्टिव है जो प्लेसेस नाउन के लिए आ रहा है। हाँ तो सुमंत, एडजेक्टिव की पहली क्लास जब हमने ली थी, जब एडजेक्टिव की पहली क्लास ली थी तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? वो जो रूल है ना, वो तब यूज करते हैं जब वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है? जब हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तो ये बताया होगा। रुक जाओ, 13 पेज के नोट्स में कैसे तुम लोग मिस कर जाते हो पॉइंट्स, हमको ये नहीं समझ में आता है। हाँ, क्रैक एडजेक्टिव बोला गया है। 13 पेजेस के नोट्स में पॉइंट मिस होते हैं, ये तो गड़बड़ बात है। चलो ये वाला पॉइंट याद आया सुमन? एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक नाउन के पहले आएगा एट्रिब्यूटिव कहलाएगा, वाक्य के अंत में आएगा प्रेडिकेटिव कहलाएगा। ध्यान आया कि नहीं आया? हाँ, क्रैक्ट को एडजेक्टिव हमने बोला है बच्चा, वाज को मेन वर्ब लिखा है। ऐसे मत करो सुमंत, कैसे चलेगा बच्चा? ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, वाज को मेन वर्ब लिखा था और क्रैक्ट को एडजेक्टिव लिखा था, देख लोगे सचिन। चलिए आगे देखा जाए, ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, देयर आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, सीम्ड वर्ब का दूसरा रूप, टू प्लस भी वन ही लिखोगे इसको, हैव के साथ भी थ्री, सम तो यहाँ भी थ्री मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, अटेम्प्ट आपका नाउन है, सम क्या है बच्चा, एडजेक्टिव है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन वाला सम है, ठीक है? टू प्लस भी वन, टू डू समथिंग, हाइड, आर्टिकल, डिसकलर्ड पैचेस, पैचेस नाउन है, डिसकलर्ड एडजेक्टिव है, वही है, पार्टिसिपल भी बोल सकते हो बट कोई ज़रूरत नहीं है। बाई प्लस भी फोर क्यों लिखते हैं बच्चा, बाई प्लस भी फोर क्यों लिखते हैं? हाँ ऐसा करके, बिल्कुल सही, ऐसा करके, बिल्कुल सही। देम ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चा, विथ आपका प्रीपोजिशन हो गया, इंग तुम्हारा नाउन हो गया। और सचिन का एक क्यूरी था, हमने देख लिया, सचिन को समझा देते हैं बच्चा। अटेम्प्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, अटेम्प्ट जो होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। यहाँ पे सम के साथ सिंगुलर था तो ऑब्वियस सी बात है अनकाउंटेबल होगा, अदरवाइज प्लूरल रहता ना, तो देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है सब, ठीक है? चलो तो आज क्या है, मीनिंग नहीं समझाते हैं, पता है ना क्यों नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम लोगों से गलती हो चुकी, हमसे हुई है, आपसे नहीं हुई है। तो कल का टास्क देख लोगे बच्चा पार्सिंग का, और इस यहाँ से क्या है, पढ़ के फिर इसको रिलेट कर लेंगे हम, ठीक है? इसको पढ़ के क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे, ये यहाँ जाएगा, ठीक है? तो कल का सिंटेक्स एनालिसिस यहाँ से है बच्चा, और बहुत ज़्यादा टास्क नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा टास्क होने पे क्या होता है ना, रीडिंग नहीं हो पाएगी फिर। चलो तो ये रहेगा सिंटेक्स एनालिसिस का टास्क कल का। यहाँ तक, ताकि क्या है, हम लोग मीनिंग को भी कल पढ़ पाए और रीडिंग भी हो पाए,
रीडिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे इम्प्रूव होता है, जब हम किसी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे जाके आपको छोड़ेंगे ना, फिर जब आप घर पे सोचेंगे इसके आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए जब आप पढ़ेंगे तब रीडिंग इम्प्रूव होती है। ठीक, तो इतना कल कर लोगे और कल से फिर क्या है हम लोग का ये सीधा हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, अभी जो टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा, वो एक्सरसाइज हमारा फिर से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। बुक की पीडीएफ तो सबको मिल चुकी होगी। ठीक है, तो चलो थैंक यू। यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बुक की डिस्क्रिप्शन, सॉरी बुक का लिंक आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्लोज टेस्ट शिवम जब आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ ग्रुप में, तब समझिएगा उसकी क्लास होगी, मिल जाएगा। अब बन रहा होगा काम, भर सीख चुके हो, 50 क्वेश्चन और बोले थे, तो उस तरह का ढंग का क्वेश्चन ढूंढा जा रहा है, करवाया जाएगा। क्वेश्चन ढूंढ लिया गया, आज मिल जाएगा, फिर कल नहीं तो मंडे से जब आपको कन्वीनियंट लगे वो 50 क्वेश्चन बना लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। शेयर करो थोड़ा बहुत।